जय नगर सिटी में आपका स्वागत। मैं मोहम्मद अली। शुरू करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले के विरोध में जय नगर के युवाओं ने पाकिस्तानी झंडा जलाया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी के द्वारा किए गए हमले के विरोध में आज जयनगर के महावीर चौक पर विवेक कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में जयनगर के दर्जनों युवाओं ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए पाकिस्तानी झंडा को जलाया। अनंतनाग में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमला को लेकर आज जयनगर में हम युवाओं ने आक्रोश मार्च निकाला। नवाज शरीफ का पुतला एवं पाकिस्तान का झंडा जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। जयनगर सभा कार्यालय में समाजवादी लोहिया बानो की बैठक। जयनगर सपा कार्यालय में समाजवादी लोहिया वाहिनी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सपा प्रदेश सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में समय आ गया है सभी सेकुलर विपक्षी पार्टी को एक होने की। सपा प्रदेश सचिव राजेश सिंह ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी के द्वारा किए गए हमले की हम निंदा करते हुए साथ ही केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल है। बैठक में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब आपके शहर जयनगर में खुल गया फैशन का नया बाजार यूनिक कॉर्नर। आकर्षक एवं आधुनिक वस्त्रों का संगम। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए सभी ब्रांडों के कपड़े कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के लिए एक बार पधारे जरूर। हमारा पता है पटना गद्दी चौक, बजाज एजेंसी के बाएं, जयनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9470006837, 7482962574। जयनगर शहरी क्षेत्र होकर गुजरने वाली NH 104 जर्जर यातायात में होती है कठिनाई। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 जर्जर होने से यातायात में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की दशा एवं दिशा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।